हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और लारावेल लाइव वायर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्शंस की। एक्शन क्या होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। अब आप ये कह रहे हो कि आप हर बार एक नया कंपोनेंट क्यों बनाते हो, अगर प्लेलिस्ट में देखते हैं तो हर एक पहले से हमारे पास कंपोनेंट बना होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यूवर डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आता है तो उसको नहीं पता होगा कि कंपोनेंट कैसे बनता है। इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है नहीं, 30 से 40 सेकंड लगते हैं, इसीलिए मैं कंपोनेंट हर बार नया ही बना देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको ब्लेड टेम्पलेट के साथ में यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखेंगे एक्शंस होते क्या हैं थ्योरेटिकली। उसके बाद में कुछ फंक्शंस बनाएंगे, उसको फंक्शंस को कॉल करेंगे बटन के क्लिक के ऊपर। PHP के फंक्शंस हम बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ में, और कोई अजेक्स वगैरह कुछ भी जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ नहीं करने वाले डायरेक्टली, ये लाइव वायर अपने आप करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाता हूँ और उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे कमांड लाइन पे। यहाँ पे देखता हूँ PHP आर्टिसन मेक, और उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ लाइव वायर और कंपोनेंट का नाम। सो लेट्स से मेरे कंपोनेंट का नाम है सर्च। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो ये मुझे बोल रहा है कि क्या आपको रेपो स्टार्ट करनी है। मैं इसको मना कर दे रहा हूँ नहीं, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। ऑलराइट, सो अभी देखिए, आपको पता है कि दो फाइलें बनी होंगी हमारी। एक तो ये रही सर्च, जो कि हमारे कंट्रोलर के साथ में बनी है, और दूसरी हमारी लाइव वायर की एक और फाइल बनी होगी सर्च डॉट ब्लेड डॉट PHP ब्लेड टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वेलकम डॉट ब्लेड PHP ये वाला पेज है, जो फ्रंट पेज है, इसको मैं यहाँ से कम्प्लीटली हटाता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल HTML लिखता हूँ और ये वाला सब कुछ हटा के मैं तीन इसके अंदर डायरेक्टिव्स यूज़ करूँगा। सबसे पहले यूज़ करूँगा लाइव वायर स्टाइल्स, और उसके बाद में मैं यूज करूंगा @ लाइव वायर स्क्रिप्ट से ये बेसिकली, और यहाँ पे यूज करता हूँ लाइव वायर और मेरे कंपोनेंट का नाम। मेरे कंपोनेंट का नाम है सर्च, तो यहाँ पे सर्च लिख देता हूँ। और अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास ब्लैंक पेज आ रहा है, क्योंकि हमें जो हमारा सर्च कंपोनेंट है अभी इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है नहीं। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च कंपोनेंट। परफेक्ट। और अब हम यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च कंपोनेंट लिखा हुआ दिख गया, ठीक है। अब आती है बात हमारे मेन पॉइंट के ऊपर कि एक्शंस होते क्या हैं। देखिए, एक्शन एक सिंपली मतलब होता है कि बटन की क्लिक के ऊपर, जो कि हमारा HTML का बटन का होता है, उसकी क्लिक के ऊपर PHP का फंक्शन कॉल करना, उसकी वैल्यूज वगैरह चेंज करना, रिसेट करना। ऑलराइट, सो वैसे तो ये जो लाइव वायर होता है बैकग्राउंड के अंदर अजेक्स यूज करता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे यूज कर रहा है, बट स्टिल ये एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कोड करना नहीं पड़ रहा, वो डायरेक्टली ये PHP के फंक्शन को कॉल कर दे रहा है। ऑलराइट, कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। इस लाइन को मैं हटा सकता हूँ, उसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बटन क्लिक, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट मैसेज, ठीक है। और इसकी क्लिक के ऊपर मैं बेसिकली एक फंक्शन कॉल करता हूँ। और कैसे कॉल कर सकते हैं फंक्शन, एक यानी कि एक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वायर क्लिक, और क्लिक के बाद में जो मेरे फंक्शन का नाम होगा। सो लेट्स से मैं उसका नाम रखता हूँ अपडेट MSG। ऑलराइट, सिंपल है, बस इतना ही। और अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक H2 टैग लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर मैसेज MSG। अब बोला ये डॉलर मैसेज कहाँ है, जैसा हम अभी डिफाइन कर रहे हैं, हमें भी अभी तक हमने करा नहीं है। लास्ट वीडियो अगर आपने ना देखे तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसा होता है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ ही हम नाम को डिफाइन कर रहे हैं। मैं पे लिखता हूँ पब्लिक डॉलर मैसेज, और इसके अंदर लिख रहा हूँ मैसेज फ्रॉम सर्च, राइट कंपोनेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, दैट्स ओके ही है। और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और अब मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैसेज फ्रॉम सर्च आ रहा है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे लिखा देखना चाहता हूँ मैसेज इज अपडेटेड, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है अपडेट मैसेज।
सो मैं यहाँ पे अपडेट मैसेज रखता हूँ सिंपली, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉलर दिस एमएसजी और मैसेज हैज बीन अपडेटेड. परफेक्ट. नाउ लेट्स सी कि क्या हमारा मैसेज अपडेट हो रहा है जो यहाँ पे आ रहा है. मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो मैसेज हैज बीन अपडेटेड, ये अपडेट हो गया. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं बेसिकली यहाँ से वापस आता हूँ, आपको फिर से समझाता हूँ. क्या था कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा है यहाँ पे अपडेट मैसेज, इसको मैं क्लिक के ऊपर कॉल करना चाहता हूँ ब्लेड टेम्पलेट से. तो ब्लेड के ऊपर मैंने वायर कॉल एंड क्लिक लिख के और उसमें इसका मैसेज का नाम लिख दिया, तो वो कॉल हो गया और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई हमारे मैसेज वाली. ठीक है. अच्छा, मैं इसे पैरामीटर पास कर सकता हूँ. यस, आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मली नेम लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल सिद्धू. ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे लिखूंगा डॉलर नेम और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली डॉलर नेम. अब मेरा नाम आ जाएगा इसकी जगह पे. ठीक है, अब मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, मैसेज फ्रॉम सर्च कंपोनेंट क्लिक करता हूँ और ये आ गया अभिल. दैट्स माई बैड, ये अभिल नहीं अनिल है. क्या यार, मैंने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, सो बैड. ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया. देखिए यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं ना, खाली क्लिक नहीं होता, माउस ओवर की अप वगैरह बहुत से इवेंट होते हैं, वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम उनको डिटेल में देखने वाले हैं. डोंट वेरी, चाहो तो अब के लिए माउस ओवर देख सकते हैं, शायद ये वाला इवेंट काम करना चाहिए. अब मैं क्या करता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ. ये देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक नहीं करा, जैसे इस पर होवर करा तो इसने अपडेट कर दिया. ठीक है, सो और आने वाली एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके अंदर सारे सारे इवेंट्स मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इवेंट हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स का, चाहे वो माउस ओवर हो कि अप हो कि डाउन हो कि प्रेस हो, सब कुछ. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. बाय बाय, टेक केयर.